नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की मेरी पहली लाइन ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है वो टर्निंग पॉइंट ले रहा है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का लाडला आदित्य ठाकरे फंसता हुआ दिख रहा है। कारण क्या है, चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। 14 जून की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा उससे पीछे चलो आप लोग, और थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं 9 जून की रात। अब मैं एक छोटी सी गुत्थी, एक छोटा सा किस्सा है, खैर मैं भी पहले विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसकी पोस्ट को देखा, एक मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, तो उस पोस्ट में जो पॉइंट लिखे हुए थे, डाउटली जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, वो पॉइंट्स मैच कर रहे थे अर्णव गोस्वामी की डिबेट से। तो दोनों को उठा करके जब मैंने एनालाइज किया तो सेम वही चीजें निकल रही थी जो मैंने आप लोगों से साझा करना उचित समझा। तो जरा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं कि 14 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, चलिए उसका थोड़ी सी पीछे चलते हैं। 9 जून की रात में क्या हुआ? 9 जून की रात में सूरज पंचोली ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। आप सुनिएगा ध्यान से कि 9 जून की रात को सूरज पंचोली ने अपने घर में एक पार्टी रखी और उन्होंने क्या किया, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियन को फोन किया और फोन कर करके उन्हें अपने पेंट हाउस में पार्टी बोल करके इन्वाइट किया। देखिए, दिशा उस पार्टी में जाना नहीं चाहती थी, दिशा सालियन उस पार्टी में जाना नहीं चाहती थी, वो इसलिए भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि कुछ समय से सूरज पंचोली से उसकी अनबन चल रही थी। लेकिन फिर भी दिशा सालियन रात को 8 बजे सूरज पंचोली के पेंट हाउस में पहुंची, जहां पर मौजूद थे, अब आपको बता सकता हूं कि कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर मौजूद थे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के सुपुत्र, कह लो नाम है इनका आदित्य ठाकरे, और कौन मौजूद था, सिद्धार्थ पिठानी, और कौन मौजूद था, संदीप सिंह, और कौन मौजूद था, सूरज पंचोली, और कौन मौजूद थे, अरबाज खान। इन लोगों ने क्या किया, दिशा सालियन को वहां पर बुलाया और बुलाने के बाद उसी 9 जून की रात को इन सभी लोगों ने मिलकर के दिशा सालियन का रेप किया। रेप करने के बाद उन्होंने क्या किया, दिशा सालियन की बॉडी को, रेप करने के बाद उन्होंने दिशा सालियन को 14th फ्लोर यानी 14वें फ्लोर से नीचे फेंका। नीचे फेंकने के बाद उनके अंदर जो थोड़ी सी जान बची थी, उस बीच उन्होंने क्या किया कि सुशांत सिंह राजपूत के पास उन्होंने कॉल किया और कॉल करके उन्होंने सारी बातें बता दी। अब हुआ क्या, इसमें एक व्यक्ति और सम्मिलित था जिसका मैंने नाम नहीं लिया है, वो है सौमिक चक्रवर्ती। सौमिक चक्रवर्ती कौन है, रिया चक्रवर्ती के भाई है। तो रिया चक्रवर्ती के भाई भी इस मर्डर में और इस रेप केस में शामिल थे। अब रिया चक्रवर्ती ने क्या किया, जब रिया चक्रवर्ती को पता चला और इन लोगों को पता चला कि ये सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत के पास पहुंच चुकी हैं, ये सारी बातों का पता सुशांत सिंह राजपूत को लग चुका है, तो हुआ क्या, फिर जो आका लोग हैं बॉलीवुड के, मसीहा लोग हैं, मूवी माफिया हैं, बॉलीवुड गैंग हैं, आईएसआई के एजेंट लोग जो बॉलीवुड में भरे पड़े, उन्होंने क्या किया, 9 जून से लेकर के 14 जून तक सुशांत को इतनी धमकियां दी कि उन्हें सिर्फ 5 दिनों में 14 सिम कार्ड बदलने पड़ गए। 14 सिम कार्ड तो उन्होंने बदले और जितने भी सिम कार्ड वो बदलता था, ये सारी इंफॉर्मेशन सुशांत सिंह राजपूत का जो फ्रेंड था संदीप जिसका नाम था, वो सारी इंफॉर्मेशन देता था बॉलीवुड के आका कहे जाने वाले सलमान खान। अब जब सलमान खान को लगा कि ये सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, इसलिए भी एक्सपोज हो जाएंगी क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चला तो सुशांत क्या करना चाहता था, दिशा सालियन को न्याय दिलाना चाहता था, वो सारी चीजों को मीडिया में एक्सपोज करना चाहता था। तो जब इन लोगों को लगा कि हमारा भंडा फूट जाएगा, चीजें मीडिया में एक्सपोज हो जाएंगी, तो इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली टॉर्चर करना शुरू किया, धमकियां देनी शुरू की, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को 14 सिम कार्ड बदलने पड़े। अब जब बात पता चली रिया चक्रवर्ती को, तो रिया चक्रवर्ती ने वैसे नहीं कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत मेरे हाथों का पपेट, कठपुतली जिसको बोलते हैं, जैसे चाहूंगी वैसे नचाऊंगी। तो रिया ने सोचा इस बार भी नचाते हैं क्योंकि भाई को बचाना था, सौमिक चक्रवर्ती को बचाना था जो दिशा के मर्डर और रेप दोनों में शामिल था। तो उन्होंने क्या किया, सुशांत सिंह राजपूत को वार्निंग दी कि वो इस केस में ना पड़े, इस केस से अपना फोकस हटा ले, अन्य चीजों पर ध्यान दे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मानने वाले नहीं थे। तो हुआ क्या, जब सबको पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत इजली रुकने वाले नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, 13 जून की रात को, अब चलते अब पहुंचिए कहां, 9 से 13, 13 जून की रात को क्या हुआ, 13 जून की रात को आदित्य ठाकरे के घर पर बैठ करके अरबाज खान, सलमान खान, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और जो बड़े बड़े मूवी माफिया और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सबको पता था, क्लियर पता था, चीजें क्लियर पता थी। इन लोगों ने क्या किया,
बैठ करके एक प्लान बनाया सुशांत सिंह राजपूत को मारने का। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि सुशांत सिंह राजपूत को 13 जून की रात में ही इन्होंने मार दिया। और 13 जून की रात को मारने के बाद उससे पहले जो उसकी बहन थी मीतू सिंह राजपूत उन्होंने क्या किया, कई बार सुशांत का फोन ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन सुशांत का फोन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि वो नंबर बराबर चेंज कर रहे थे। हुआ क्या, मारने के बाद इन लोगों ने क्या किया, डेड बॉडी को बेड पर लिटाया, क्योंकि हैंगिंग पिक आज भी किसी के पास अवेलेबल नहीं है, उस पर भरोसा मत कीजिएगा। कई सारी ऐसी चीजें थी, कई सारे ऐसे फैक्ट थे। फिर क्या किया गया कि इनको मारने के बाद बेड पर लिटाने के बाद इनके विकिपीडिया अकाउंट को 8:39 पर ही अपडेट कर दिया गया, जबकि ये चीजें नौकर से परे थी। तो नौकर ने बताया कि सुशांत ने 9:30 जूस पिया। नौकर कौन है, दीपेश। अब कितने लोग फंसते चले गए, कितने लोग फंसते चले गए। इससे पहले एक चीज और जान लीजिए आप, रिया चक्रवर्ती को जब ये बात पता चली थी तो उसने ये बात बताई थी किसको, महेश भट्ट को। तो महेश भट्ट ने क्या किया, जब 9 तारीख को उन्होंने ये बात महेश भट्ट को बताई तो महेश भट्ट ने उनसे क्या कहा था कि तुम तत्काल रूम छोड़ दो। तो रिया ने क्या किया था, 10 तारीख को वो रूम छोड़ा। रूम को छोड़ने के बाद सुशांत के नंबर को ब्लॉक किया, सुशांत के नंबर को ब्लॉक किया क्योंकि वो महेश भट्ट की सरपरस्त थी, महेश भट्ट का हाथ था उनके ऊपर। तो जैसा महेश भट्ट बताते जा रहे थे वैसा वो करती जा रही थी। तो ये जो भी गुत्थिया जितने भी लोग भी इसमें शामिल है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। अरबाज को बचाने के लिए सलमान शामिल है, रिया को बताने के लिए महेश भट्ट शामिल है, संदीप, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी, या जितने भी लोग सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में शामिल है, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। इनका पर्दाफाश करेगी ऑडियंस। अगर यह सीबीआई अभी भी नहीं लग रही है तो एक छोटा सा बच्चा इस केस को सॉल्व कर सकता। और कोई मेरे को गलती से भी कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी आत्महत्या बोलते दिख मत जाइए, एक बात बता दे रहा हूं। तो चलो, जितने लोग इस केस में हमारा समर्थन करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, लाइव के माध्यम से एक मुहिम चला रहे, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड वी वॉन्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो आप भी जाइए, हमारे पेज से जुड़िए, हमारी इंस्टाग्राम आईडी से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यहां जुड़िए और हमारा समर्थन कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।